क्या राहुल वैद्य को किया जा रहा है टारगेट? क्योंकि उनके फैंस को तो ऐसा ही लगता है और सबूत है उसका, ये उनको ऐसा लगता है इस बात का, तो ये वो सबूत है जो हो रहा है ट्रेंड, कल हुआ है बहुत ज्यादा ट्रेंड, जहां पर नजर आ रहा था लिखा हुआ स्टॉप टारगेटिंग राहुल वैद्य। क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। मैं यहाँ पर पिछले हफ्ते जो है रुबीना फैंस ने किया था ट्रेंड कि स्टॉप रुबीना पे वार, तो इस हफ्ते रुबीना पे वार नहीं, रुबीना की तारीफ हुई है, रुबीना के खिलाफ वार हुए हैं। वहीं इस हफ्ते जो है राहुल वैद्य के फैंस ने मोर्चा संभाला है और लिखा है स्टॉप टारगेटिंग राहुल वैद्य। अब किस बात पर राहुल वैद्य को टारगेट किया ये तो हम लोग को समझ नहीं आया, लेकिन उनके फैंस कह रहे हैं स्टॉप टारगेटिंग राहुल वैद्य, उनको टारगेट मत कीजिए। जैसे रुबीना को टारगेट किया था पिंकी फिंगर को लेके या किसी और की हरकतों को लेके, रुबीना दिलैक को सुनाया गया था वो, उसके लिए फैंस ने मोर्चा उठाया था तो समझ भी आ रहा था, लेकिन यहाँ पे राहुल वैद्य को किस बात पर टारगेट किया गया है ये हम कुछ खास समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर फैंस कह रहे हैं तो जरूर टारगेट किया जा रहा होगा और वो लोग चाहते हैं कि राहुल वैद्य पे टारगेट्स रुक जाए। भाई हम आपको बता दें, वैसे तो अभी तक राहुल वैद्य कुछ एक्सेप्शनल परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें वीकेंड के वार पर अननोटिस्ड छोड़ दिया जा रहा था या बहुत कम बातचीत हो रही थी। कल के दिन उनसे अच्छी खासी बातचीत हुई है, तो वो भी इसलिए हुई क्योंकि वो गलतियों में शुमार थे, गलतियों में शामिल थे, वो भी सोनाली फोगाट की। ऐसे में राहुल वैद्य पर टारगेट्स होते हुए फैंस नहीं देख पा रहे हैं और उनको स्टॉप करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर कर डाला बहुत बड़ा ट्रेंड। यहाँ पर 4-5 लाख से ज्यादा ट्वीट्स मिले इस ट्रेंड को, जिसके बाद लग रहा था कि फैंस इस बात को लेकर सीरियस है कि वो नहीं चाहते हैं राहुल पर और भी कोई टारगेट्स पेंट करें। ऐसे में क्या राहुल पर हो रहे टारगेट्स रुक पाएंगे या फिर राहुल अपना गेम अलग सा दिखा पाएंगे, जिससे उनके टारगेट्स जो हैं वो अपना निशाना छोड़ देंगे या निशाने पे अपने टारगेट्स लगाने से चूक जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या राहुल का गेम अब बदलेगा, क्या राहुल का गेम बड़ा बनेगा या फिर राहुल का पुराना गेम वापस आएगा, क्योंकि अभी नए गेम में तो उतनी दम नजर नहीं आ रही है। आइए करते हैं इसी बारे में चर्चा और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि और भी कई सारी खबरें हैं जो हमें आप तक पहुंचानी है।